खरगोन शहर में 30 और 31 मई की दरमियानी रात बिस्टान रोड स्थित जीनिंग फैक्ट्री में चोरी की दहशत फैलाने वाले चड्डी बनियान गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गुजरात के दामों से गिरफ्तार किया है। गिरोह के 5 सदस्य फिलहाल फरार हैं। सभी आरोपी गुजरात नंबर की बोलेरो गाड़ी से चोरी करने आए थे। आरोपियों ने करीब 10 लाख रुपए चुराए थे। भागते समय उन्हीं जिनिंग में काम कर रहे मजदूरों की नजर पड़ने पर पत्थर फेंकते हुए भाग निकले थे। एसपी धर्मवीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करना चुनौती भरा था। पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने उस बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया है जिसका इस्तेमाल बदमाशों ने किया था। 200 से अधिक आरोपियों से सघन पूछताछ की गई थी। आरोपियों के ठिकानों से एक महिंद्रा बोलेरो, 3 स्पोर्ट्स रेसिंग मोटरसाइकिल सहित कुल 50,600 रुपए की नकदी जब्त की गई। घटना के फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। चुनौतीपूर्ण मामले में आज खरगोन कोतवाली पुलिस ने इंटरेस्टेड गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31 मई को सोनम जिनिंग मिल में जो चोरी घटना हुई थी, उस घटना में करीब 6 आरोपियों ने प्रवेश करके और पथराव करके वहाँ चोरी घटना की गई थी। इसमें लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी और इसमें जो गैंग के लोग पकड़े गए हैं बेसिकली ये दाहोद गुजरात के रहने वाले हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि किराए से गाड़ियाँ लेके ट्रेवल करते हैं और टारगेट को सेलेक्ट करके घटना के समय सामान्यतः ये अपने कपड़े उतार लेते हैं जिससे कि इनकी शनाख्त ना हो पाए और ये उस समय गिरफ्तार ना हो सके। तो लगातार इस मोडस ऑपरेंडी के अपराधियों को चिन्हित करने का काम पुलिस कर रही थी और दाहोद में हमारी टीम ने पहुंच के इसको 3 लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।